नमस्कार, मैं प्रिया धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को लेकर बिहार की सियासत में खूब चर्चा होती है। इफ्तार पार्टी के बाद राजद के साथ उनकी नजदीकियों को लेकर जमकर कयास लगाए गए। शनिवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के एक संयुक्त सम्मेलन में उनके शामिल नहीं होने से इसे और बल मिल गया है। समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे दिग्गज मुस्लिम नेता आजम खान पिछले कुछ दिनों से शिवपाल सिंह यादव समेत कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से भेजे नेताओं से उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया था। अब सपा गठबंधन के एक और साथी ओम प्रकाश राजभर भी आजम खान से मिलने के लिए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि वो अखिलेश यादव का संदेश लेकर आजम खान के पास जा सकते हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण ने भी आजम खान से मुलाकात की थी। बिहार की राजधानी पटना में आपसी सौहार्द और भाईचारे का एक उदाहरण देखने को मिला। रविवार को पटना के हनुमान मंदिर ने अजान के दौरान अपने लाउडस्पीकर बंद कर दिए। मस्जिद और मंदिर के बीच की दूरी 50 मीटर है। वहीं एक दूसरे के प्रति सम्मान दर्शाते हुए मस्जिद ने मंदिर में आने वाले भक्तों का ख्याल रखा। ये नजारा ऐसे समय पर देखने को मिला जब सूबे में लाउडस्पीकर को लेकर चर्चा जोरों पर है। विमान ईंधन की कीमतों में 3.22% का और वृद्धि दर्ज किया गया है। इसके दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। इस साल यानी 2022 में विमान ईंधन कीमतों में ये 9वीं बढ़ोतरी है। उल्लेखनीय है कि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में उछाल आया है, जिसका असर विमान ईंधन पर भी पड़ा है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में ATF की कीमतों में 3,649.13 रुपये प्रति किलोमीटर या 3.22% की बढ़ोतरी हुई है। अब राष्ट्रीय राजधानी में ATF का दाम 1,16,851.46 रुपये प्रति किलोलीटर 116.8 रुपये लीटर पर पहुंच गया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि दिल्ली देश की राजधानी है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के शासन के मॉडल की जहां एक बात है, तो एक केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए केंद्र सरकार को इसकी हमेशा ही जरूरत पड़ेगी, चाहे विधानसभा या मंत्रिपरिषद ही क्यों ना गठित की जाए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार NTA ने UGC नेट दिसंबर 2021 और UGC नेट जून 2022 को विलय कर एक साथ रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। UGC नेट 2022 में भाग लेने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी UGC नेट की वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आवेदन की लास्ट डेट 20 मई 2022 है। देश में भीषण गर्मी के बीच कोयले के संकट से बिजली संकट गहरा गया है। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन की रिपोर्ट के अनुसार देश में बीते 6 साल में पहली बार इस तरह का बिजली संकट हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार देश में अप्रैल 2022 के पहले 27 दिन में मांग की तुलना में 1.88 बिलियन यूनिट बिजली का संकट रहा, जिसने बीते 6 साल के बिजली संकट के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के दैनिक मामलों की संख्या 3,000 के पार बनी हुई है। भारत में बीते 24 घंटे में 3,324 नए मामले सामने आए। इस दौरान 40 मरीजों की जान गई। नए आंकड़ों को मिलाकर देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,30,79,188 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक कोविड-19 से 5,23,843 मरीज जान गंवा चुके हैं। फिलहाल देश में 19,092 कोविड संक्रमितों का इलाज जारी है। जापान अगले 5 वर्षों में भारत में 5 ट्रिलियन येन यानी कि 3.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कही। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में अपने जापानी समकक्ष फुमियो कशिदा के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बयान दिया है। दोनों नेताओं ने दिन में भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता भी की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के CEO आशीष चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोबेल पुरस्कार देने पर विचार किया जाना चाहिए। इसके लिए चौहान ने कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही उन्होंने कहा है कि देश के गरीबों को मिली मानवीय सहायता के लिए भारत नागरिकों के तौर पर हमें गर्व होना चाहिए। भारत चीन के बीच साल 2020 में हुए टकराव के बाद चीन ने LAC के निकटवर्ती क्षेत्र में अपनी तरफ आधा दर्जन नए एयरफील्ड तैयार कर लिए हैं, जबकि पहले भी उसके पास एक दर्जन नए एयरफील्ड सीमावर्ती क्षेत्रों के निकट मौजूद थे। चीन की इस चुनौती से मुकाबले के लिए ही भारत की तरफ से भी सीमाई क्षेत्र में नए एयरफील्ड विकसित किए जा रहे हैं। सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि ये उनके लिए गर्व की बात है कि उन्हें भारतीय सेना का नेतृत्व करने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना का एक गौरवशाली अतीत रहा। सेनाध्यक्ष ने कहा कि भारतीय सेना ने राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता को बनाए रखा, उसी तरह इसने राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है। उन्हें रविवार को साउथ ब्लॉक लॉन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलो के वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में तत्काल प्रभाव से लगभग 102 रुपये की बढ़ोतरी की। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 19 किलो के वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत अब 2355.50 रुपये हो गई है, जो पहले 2253 रुपये प्रति सिलेंडर थी। वहीं 5 किलो वाली LPG सिलेंडर की कीमत अब 655 रुपये है। दुनिया भर में रविवार को वर्ल्ड डॉक्टर डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें
जिसको देखकर आपका दिन भी बन जाएगा। इस वीडियो को अभिनेता ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि अभिनेता एक इंग्लिश गाने को पर फनी एक्ट करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में अक्षय एक कंगे से म्यूजिक के साथ अपने दांतों को चलाने की एक्टिंग कर रहे हैं और अंत खुद भी काफी तेजी से हंसते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने इस वक्त एसओ यानी कि स्पेशल ऑफिसर के पद पर भर्तियां चल रही है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि इन पदों पर आवेदन की लास्ट डेट 7 मई 2022 तक है। इसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट से लिंक को हटा दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट pnbindia.in पर जाकर लॉग इन करना होगा। TVS के स्कूटर हाई स्पीड स्कूटर माने जाते हैं। TVS नए और एडवांस फीचर वाले स्कूटर्स पर काम कर रही है। इसी क्रम में कंपनी ने TVS NTORQ XT को लॉन्च करने का ऐलान किया है। TVS NTORQ XT को डीलर शोरूम अब देखा जा सकता है। TVS मोटर जल्द ही एक स्कूटर भारतीय बाजार में लॉन्च करेगी जो बाजार में मौजूद अन्य स्कूटरों को कड़ी टक्कर देगा। लॉकडाउन में पीसी यानी कि लैपटॉप और कंप्यूटर की डिमांड में तेज ग्रोथ दर्ज की गई थी, जिसे इस साल 2022 की पहली तिमाही में 4.3% की कमी दर्ज की गई है। मतलब लोग पिछले साल 2021 की पहली तिमाही के मुकाबले इस साल 4.3% की दर से कम लैपटॉप और कंप्यूटर खरीद रहे हैं। घर मकानों की कीमतों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। दूसरी तरफ आयकर के प्रावधानों के तहत होम लोन के मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान पर मिलने वाले कटौती का लाभ काफी कम है। दैनिक जागरण ने सोशल मीडिया पर इस संदर्भ में लोगों से विचार लिए हैं कि क्या होम लोन की ईएमआई पर घर खरीदारों को अलग से छूट मिलनी चाहिए, और ज्यादातर लोगों का जवाब हां में था। पोल में हिस्सा लेने वाले 85.6% लोगों का कहना है कि होम लोन की ईएमआई पर अलग से छूट मिलनी चाहिए। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान जल्द बड़े पर्दे पर धमाकेदार वापसी करने वाले हैं। वो अगले साल तक अपनी दो फिल्म पठान और डंकी लेकर आ रहे हैं। हाल ही में शाहरुख खान ने अपनी फिल्म डंकी की घोषणा की है। इस फिल्म में वो अभिनेत्री तापसी पन्नू के साथ नजर आएंगे। वहीं शाहरुख खान जैसे बड़े स्टार के साथ काम करने को लेकर तापसी काफी एक्साइटेड है। इतना ही नहीं, अभिनेत्री के परिवार और उनकी बहन को भी शुरुआत से यकीन नहीं था कि वो शाहरुख खान के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करेगी। इस बात का खुलासा खुद तापसी पन्नू ने किया है। सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि यह उनके लिए गर्व की बात है कि उन्हें भारतीय सेना का नेतृत्व करने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना का एक गौरवशाली अतीत रहा है। सेनाध्यक्ष ने कहा कि भारतीय सेना ने राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता को बनाए रखा, उसी तरह इसने राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है। उन्हें रविवार को साउथ ब्लॉक लॉन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्रियों के संयुक्त सम्मेलन में शनिवार को राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ है। सम्मेलन के पहले दिन के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सम्मेलन के दौरान कुछ प्रस्ताव पारित किए गए, उनमें से एक राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण बनाने का था। मीडिया को संबोधित करते हुए रिजिजू ने कहा कि कुछ मुख्यमंत्री मौजूदा व्यवस्था से सहमत नहीं हो सके। भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड 19 महामारी से हुए नुकसान से पूरी तरह उबरने में भारतीय अर्थव्यवस्था को एक दशक से भी अधिक वक्त लग सकता है। इस रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था पर कोविड 19 महामारी के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। इसमें अनुमान लगाया गया है कि महामारी की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था को लगभग 52 लाख करोड़ रुपए की उत्पादन क्षति हुई है। मई 2022 के पहले दिन से आपकी जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेस पर टैक्स वसूली शुरू हो गई है। शुरुआती 4 दिन बैंक बंद रहेंगे। कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने से अब बाहर खाना महंगा होने की उम्मीद जताई जा रही है। कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हो गया है और साथ ही आईपीओ में यूपीआई पेमेंट लिमिट बढ़ी है। यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेस पर टैक्स वसूली अब होने वाली है। स्काईमेट वेदर के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लू से गंभीर लू की स्थिति बनी रही। विदर्भ, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और जम्मू संभाग, गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंतरिक ओडिशा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, पंजाब, मध्य महाराष्ट्र और कच्छ के अलग अलग हिस्सों में लू की स्थिति रही। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी। गुजरात के लोगों को बधाई देते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट किया कि गुजरात के लोगों को उनके राज्य स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई। राज्य अपनी आध्यात्मिकता, विरासत, प्रतिष्ठित स्मारकों और विविध वन्य जीवन के लिए जाना जाता है। गुजरात ने राष्ट्र के विकास में बहुत योगदान दिया है। राज्य विकास के लिए अपनी तीव्र गति जारी रखे। महाराष्ट्र के लोगों को अपने अभिवादन में उपराष्ट्रपति नायडू ने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों को उन्होंने उनके राज्य स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि लाउडस्पीकर एक निजी मामला है, इसको मुद्दा बनाना ठीक नहीं है। लाउडस्पीकर से लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि लाउडस्पीकर पर कोई भड़काने वाली सामग्री का प्रसारण किया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। कमलनाथ ने कहा है कि लाउडस्पीकर का हर जगह उपयोग होता है। कुछ अनुमानों के अनुसार इंडोनेशिया द्वारा पाम ऑयल पर प्रतिबंध से वैश्विक बाजार में हर महीने लगभग 20 लाख टन पाम तेल की आपूर्ति खत्म हो सकती है। ये वैश्विक स्तर पर कच्चे पाम तेल की मासिक कारोबार की आपूर्ति का लगभग आधा है। विश्लेषकों के अनुसार इससे अन्य तेलों की मांग में वृद्धि होगी।
खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 में कुल 1.15 लाख करोड़ रुपए का कारोबार किया, जो साल के पहले की तुलना में 20.54% अधिक है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा है कि खादी उत्पाद कारोबार से जुड़े केवीआईसी ने एक ऐसी ऊंचाई हासिल की है जो भारत में रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले उत्पादों से जुड़ी एफएमसीजी कंपनियों के लिए दूर का लक्ष्य बना हुआ है। देश के 8 पूर्व न्यायाधीश, 97 रिटायर्ड अधिकारी और सशस्त्र बलों के 92 पूर्व अधिकारी सहित देश के 197 प्रमुख हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखा। इस पत्र में कहा गया है कि देश में एक खास एजेंडे के तहत किए जा रहे पक्षपातपूर्ण राजनीति को स्वीकार नहीं किया जा सकता और देश भर में हिंसा और राजनीति करने वाले लोगों को बेनकाब किया जाना चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन के मामले में वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांड शाओमी पर बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने शाओमी के 5,551.27 करोड़ रुपए अटैच किए हैं। एजेंसी ने इस साल फरवरी में अवैध लेनदेन को लेकर छापेमारी की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने इसी महीने चाइनीज फोन निर्माता कंपनी शाओमी के पूर्व प्रबंध निदेशक मनु कुमार जैन को भी तलब किया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया उनके नाम है शशिकला, नुन्नू कुमार, मुन्ना कुमार, अखिलेश यादव, ओम प्रकाश कुमार, रंजीत मिश्रा, जितेंद्र ठाकुर, ध्रुव कुमार, अमर उल्लाह अयाज, प्रियंका कुमारी। आप इस तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार प्रधानमंत्री मोदी की कौन सी योजना आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।